तो भाई ये देख लो भाई, सामने से जिमनी और थार। ब्रेक नहीं ले रहे, चलो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। 19 जून है और भाई आज मौसम बहुत सही हो रहा है, मतलब बारिश बारिश का मौसम हो रहा है। हमारे साथ आज मोहसिन भाई और मोहिन भाई मेरा एक फ्रेंड है, उसने नई जिमनी ली है, ब्रांड न्यू जिमनी वाइट कलर में, और वो आ रहा है अलवर से। और गुड़गांव में एक ट्रेल है ऑफ रोडिंग की, तो वहाँ पे थार वर्सेज जिमनी का एक ब्लॉग बनाने का सोच रहे हैं ऑफ रोडिंग का, कौन कितनी कैपेबल है। बारिश अगर हो जाएगी तो थोड़ा और स्लिपरी हो जाएगा टेरेन। बारिश इतनी तेज हो गई है, वाइपर चल रहा है फुल स्पीड में, रेल में और ज्यादा टफ हो जाएगी आज की ऑफ रोडिंग, और भी ज्यादा टफ। लो जी भाई, जिमनी के नजारे दिखाता हूँ मैं आपको। वो खड़ी सामने जिमनी, ये देख लो भाई सामने से जिमनी और थार। फुल पावर लग रही है, ग्रिल एक नंबर है यार जिमनी की, और थार तो आपने खैर सैकड़ों बार देख रखी होगी। गाइज रेडी फॉर हार्ड कोर ऑफ रोडिंग विद जिमनी 2023। ऑफ रोडिंग ट्रेल शुरू हो गई भाई अपनी, ठीक है। लोकेशन मैं बाद में शेयर करूंगा। लो जी भाई साहब, फुल पावर, कीच कीच हो गई कीच। भाई वो कैसे जा रही है भाई वो? भाई ये कहां लेके जा रहा है? आगे अपनी जिमनी वर्सेस थार, ठीक है। और ये कुछ छोटे छोटे यहाँ पे ट्रेल्स बने हुए हैं, इन पे ले जाते हैं, चढ़ाते हैं, देखते हैं भाई। थोड़ी बारिश हो गई तो ये सॉफ्ट हो गई है मिट्टी, पैर धस रहा है नीचे, ठीक है। शुरू करते हैं, पहले जा रही है जिमनी, उसके बाद ले जाएंगे थार अपनी। जी कैसा लग रहा है मक्खन? भाई अभी याली करी थी, याली ट्रेल, इससे ऊपर चढ़ के आए थे। एक ट्रेल यह है, ये उससे टफ है, एक ये भी है, ये काफी नैरो है, एक ये है। काफी सारी ट्रेल्स हैं यहाँ पे, एक एक करके अभी ये वाली करने वाले हैं, सारी ट्राई करते हैं। हाई में ट्राई कर, भाई। भाई ये दो ट्रेल हैं जो अभी करी हैं, अभी दो तीन ट्रेल हो रहे हैं, अभी एक नीचे उतार रहे हैं ट्रेल से, उससे अभी तक हम चढ़े नहीं हैं, उतर रहे हैं खाली। सीधा उधर, सीधा बिल्कुल, बस अब चलो आराम से, आराम आराम।
ब्रेक नहीं ले रहे, चलो चलो उधर की तरफ काटो आप सीधा। आर्टिकुलेशन तो लगभग दोनों के बराबर सही है ना। कौन है? वीडियो क्यों नहीं बना रहे? एक मिनट यहीं यहीं रहो। भाई जिमनी में बारिश की वजह से थोड़ा सा ट्रेल जो है छूट रहा है बार बार टायरों से। लॉक हो रहा है टायर? कौन सा वाला? सीधी कर, आप सीधी आराम से जाना। बारिश होने की वजह से ना वो ट्रेल थोड़ा लूज़ हो गया, तो वहाँ पे जिमनी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है। बाकी जैसा हमने देखा ना यार, जिमनी को चलते हुए मतलब लग रहा है कि गाड़ी में दम है, ऐसा नहीं है मतलब। क्यों मोइन भाई? मतलब 1500 सीसी के इंजन के हिसाब से अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे रही है, नो डाउट। यही रह गई, ये वाला गैप ज्यादा हो गया इधर। स्टीयरिंग इधर नहीं, सीधी रखनी है, सीधी सीधे सीधे बिल्कुल, बस 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 जाओ सीधे। स्टीयरिंग पे कंट्रोल, अरे स्टीयरिंग पे कंट्रोल नहीं है यार इसका। फोर का भारी ना पड़ तो वीडियो में नहीं पता चल रही, बट ये वाकई में बहुत टफ ट्रेल है, इतना गहरा गड्ढा हो गया है इसके ऊपर। गाड़ी कितने एफर्ट करने पड़ते हैं इसको आने में।
भाई आप लोगों ने ये वीडियो देखी होगी तो मैं इस वीडियो में ये बताना चाहूंगा कि जिमनी और थार में उतना फर्क नहीं है, मतलब 19-20 का फर्क लगा मेरे को, क्योंकि 4x4 और जो क्वालिटी है वो दोनों के अंदर है। हाँ थोड़ा सा देखो इंजन पावर मैं बोल सकता हूँ जिमनी की कम है और टायर भी थोड़े छोटे हैं, तो थोड़ा सा 19-20 का फर्क तो आएगा ही। देखिए ठीक है, मतलब ये नहीं कि जिमनी ऐसा है कि आप ये सोच के ले रहे हैं कि भाई थार को कम्पीट कर देगी, ऐसा नहीं है ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं थार के साथ साथ वो ऑफ रोडिंग करने के लिए कैपेबल है, मतलब एक दूसरे का जैसे कहते हैं ना साथ दे के चलना, तो ये वाला सीन है। बाकी ओवरऑल जिमनी मेरे को सही लगी, गाड़ी बढ़िया है ठीक है, थोड़ा सा ओवर प्राइस लगी क्योंकि थोड़ा सा साइज छोटा है, लेकिन यार 4x4 ठीक है उसका, इतना भी बुरा नहीं है, मतलब जो लोग जिमनी की काफ़ी बुराइयां कर रहे हैं तो। और वाइट कलर में मेरे को काफ़ी पसंद आई। तो ये कुछ ऑब्स्टिकल्स थे जो हमने करे थे, जहाँ पे थार भी फंसी कहीं कहीं, कहीं कहीं जिमनी फंसी ठीक है, लेकिन वैसे ये आपने देख लिया होगा आपके सामने सब कुछ। तो हमने 2-3 वीडियोस बनाई थी, अभी फर्स्ट वीडियो डाली है, नेक्स्ट वीडियो में अलग तरीके के ऑब्स्टिकल हैं कुछ ठीक है, अलग ट्रेल्स हैं, तो उसमें थोड़ा और आपको अच्छे से पता चलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, जो भी है।